हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं एक बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ। इसको मैंने रवे से बना रहे हैं, इसको मैंने नाम दिया है चाइनीज़ ढोकला। तो इसके लिए मैंने रवा और दही और इनो डाल करके और सब मिला करके और पानी चढ़ा करके गैस के ऊपर एक बाउल में रवा और दही मिला करके और इनो डाल के रख दिया है। इसको स्टीम कर रहे हैं और ये देखिए स्टीम में ये हो रहा है, धीमी धीमी आँच पर इसको स्टीम कर लेंगे और ये पक जाएगा। देखिए ये बढ़िया भाप में हमारा पक गया। इसमें आप चाकू या कांटा डाल करके कुछ ऐसे करके चेक कर लीजिए, तो इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं चिपके तो समझ लीजिए ये पक गया है। ये देखिए इसमें डाल रहे हैं, बिल्कुल आराम से ये स्टीम में पक गया है। अब इसको गैस बंद कर देंगे और 2 मिनट ऐसे ढक्का रखा रहने देंगे। देखिए भाप में हमारा रवा हो गया है और उसको मैंने निकाल लिया, ठंडा हो गया है। और उसके बाद आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, गोल गोल बाउल जैसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने इसकी गोल गोल गोलियां जैसी बना ली हैं। देखिए हमारी गोलियां बनके तैयार हो गई हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल हमारा गर्म हो जाएगा। देखिए हमारा तेल गरम हो गया, इसमें राई डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, प्याज डालेंगे। आज हमारा हल्का सा भुनने लगे, मुलायम होने लगे, तब इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच, 1 चम्मच के करीब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये सब अच्छे से भुन जाए हमारा और इसमें चिली सॉस, टमाटो सॉस, कटा हुआ जो हमने चॉप किया हुआ टमाटर भी डाला है इसमें। देखिए चॉप किया हुआ टमाटर सबको डाल के खूब अच्छे से हमारा बढ़िया प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, राई, करी पत्ता, टमाटर सब अच्छे से हमारा इसमें भुन जाएगा। देखिए 1 चम्मच गरम मसाला डाला है और इसको खूब अच्छे से प्याज और टमाटर सब अच्छे से पक जाए, भुन जाने देंगे इसको अच्छे से। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमारा गोलियों में भी था हमने, तो आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, थोड़ा सा ये चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, इसको डाल करके अच्छे से चला। देखिए सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए। देखिए अब हमारा मसाला हो गया, अब इसमें गोलियां डालेंगे। देखिए इसको डाल करके अच्छे से चला देंगे बढ़िया से। तो सागे वाला प्याज हो, स्प्रिंग ओनियन हो, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा टेस्ट। कितने बढ़िया हमारे भुन करके, बढ़िया चाय के साथ आप इसको आराम से नाश्ते के साथ इसको खा सकते हैं। थोड़े से ओनियन फ्लिक्स भी हमने डाले हैं। ये देखिए हमारे बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं, आप इसको सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इंजॉय करिए। थोड़ा सा सोया सॉस कम लग रहा था इसलिए हमने थोड़ा सा सोया सॉस और डाल दिया है। देखिए हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।